नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए आए हैं क्लास टेंथ हिंदी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्यूशन यहाँ पे ले आए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे पास मॉडल पेपर है 2022 का। मित्रों ये मॉडल पेपर है, पूर्णांक कितना दिया जाता है 70 नंबर होता है आपका। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो मित्रों खास बात यह है, इस मॉडल पेपर में हम आपको किस टाइप के क्वेश्चन हल करवाएंगे, यहाँ पर आप देखिए जो पहला ही क्वेश्चन है आपका इस मॉडल पेपर का, पहला ही आप देखिए क्वेश्चन, यही हम आपको हल करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पहले हम आपको हल करवाते हैं कैसा क्वेश्चन ये है आपका। यहाँ पर देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर पहला क्या है क्वेश्चन क में देखिए, कुल 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखना है। तो मित्रों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, कोई एक कथन सही है और उसे हमें क्या करना है, अपनी पेपर कॉपी में पहचान करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो मित्रों यहाँ प्रेमचंद्र के बारे में बताना है, ये महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाकवि तो है ही प्रेमचंद्र, कवि तो है ही, लेकिन महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला का क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो क नंबर का मित्रों क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हल है कि नहीं। तो इसमें मित्रों क नंबर तो हल नहीं है, आगे देखते हैं हम। दूसरा देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक का डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। तो यहाँ पर देखिए, गुनाहों का देवता उपन्यास लेखक के डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, ठीक। तो अब ये धर्मवीर भारती हैं, गुनाहों के जो देवता हैं, राइट। तो इसमें ये जो ऑप्शन है ये सही है। फिर आगे आप देखिए, फिर क नंबर का है, फिर ख नंबर के यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, धर्मवीर भारती के बारे में बताया गया यहाँ पर, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं गुनाहों के देवता। तो मित्रों क में कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है, दूसरा नंबर सही है, राइट। इसका मतलब ये है। चलिए आगे आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है मित्रों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों देखिए ख नंबर, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो मित्रों इसमें देखिए 4 हैं, किसी एक सेवा सदन, चंद्रगुप्त, बर्फ की गुड़िया, अतीत के चलचित्र, किसी एक लेखक का, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। तो चलिए मित्रों देख लेते हैं किसी एक लेखक का नाम हम लोग आखिर में लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, निम्नलिखित कृतियों में किसी एक कृति के लेखक हैं चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद हैं। चंद्रगुप्त के लेखक कौन है मित्रों, जयशंकर प्रसाद है। तो यहाँ पर देखिए कृतियों में से ये कृति है और इनके लेखक का नाम, जैसे चंद्रगुप्त के लेखक, चंद्रगुप्त का कौन है, जयशंकर प्रसाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कैसा है आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन, कलम का सिपाही में से किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, कलम का जो सिपाही है, कलम के सिपाही में से किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कलम का सिपाही किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, कलम का सिपाही में किस साहित्यकार का जीवन परिचय है, तो प्रेमचंद्र का, किसका मित्रों, प्रेमचंद का जीवन परिचय है कलम के सिपाही में, राइट। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर मित्रों क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखना है, तो आप यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजकुमार वर्मा, यहाँ पर आप देख भी लीजिए घ नंबर, नहीं तो आप कहेंगे हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं। किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए, तो हमने अभी बताया डॉक्टर राजकुमार वर्मा है, किसी एक एकांकी लेखक हैं। फिर अंगा देखिए इसमें क्या कहा गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तुम्हें तो देखते हैं ये भी आपका एक नंबर है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर है, कौन है मित्रों, विष्णु प्रभाकर हैं, राइट। फिर चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए छायावाद, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है। तो मित्रों अगर छायावाद की, यहाँ पर देखिए क नंबर, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखना है, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा का क है ये, एक तो सौंदर्य का वर्णन आ जाता है और दूसरा आपका आ जाता है प्रकृति का मानवीकरण, क्या जाता है मित्रों, प्रकृति का मानवीकरण आ जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है रीति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो मित्रों जो रीति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इनका उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए रीति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, तो कैसे आप करते हैं इन्हें। रीति काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख, एक तो है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरा है रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। क्या है मित्रों? रीति या लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। तो आपकी ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है। तो किसी एक प्रगतिवादी कवि का क्या नाम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर। तो आप मित्रों ये कैसे लिखे, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखना है, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मॉडल पेपर बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन समझ में आया होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2022 मॉडल पेपर, एक वर्ष के 7 मॉडल पेपर बनते हैं। तो ये दूसरा आपका सेड है और पेपर कोड क्या है, 801 ए बी है, पूर्णांक 70 नंबर दिए जाएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट सामान्य हिंदी और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। धन्यवाद।